बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है, मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं मुखातिब हूँ मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मोहतरम जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और दीगर जितने भी लाइव स्टॉक से मुतालिका महकमा जाते हैं उनसे और उन लोगों से जहाँ फैसले होते हैं। तो आज मेरे हाथ में ये नोटिफिकेशन है जो वफाकी लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का है, जो कि 1 अगस्त को कल किया गया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि जी इसमें 4 सेक्रेटरीज डाले गए हैं, 4 इंडिपेंडेंट लोग डाले गए हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे जनाब, ये जो बोर्ड बनाया है कि किन लोगों पे मुश्तमिल है, वो कौन लोग हैं जिन्हें आपने इस बोर्ड में डाल दिया है। यकीनी तौर पे 2006 में बनाया जाने वाला वफाकी लाइव स्टॉक बोर्ड जो है, बड़ा खुशाइन था कि इन्होंने बोर्ड बनाया, पर उसके बोर्ड बनाने के बाद उसके जो सम्राट हैं उसके फवाइद जो हैं वो किसानों को मिलने चाहिए थे, नीचे की सतह तक उसके असरात आने चाहिए थे। पर आज तक पिछले साल से जो 12 साल से पिछले गैर फाल बोर्ड है, बहुत ही इंतिशार का शिकार था, बड़ा अच्छा किया, पर आपने जाति पसंद और नापसंद की बुनियाद पे इसमें लोगों को डाला। तो मुझे हमें यह बताया जाए जनाब, जिस बोर्ड को हम मुस्तरद करते हैं सिवाय एक चेयरमैन के बाकी गैर मुतालिका लोग हैं हमारी नज़र में, क्योंकि जो सेक्रेटरीज हैं वो आज यहाँ कल कहाँ। आप चारों सूबों के इसमें डीजीज को डालते, अगर आपने डीजीज चारों सूबों के महकमा लाइफ स्टाइल के डीजीज और दीगर मुतालिक अफसरान इसमें डलते तो इसके असरात आते और कोई काम होता। और यकीनन इदारों में बैठे हुए लोग जाति पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, सियासी पुश्त पनाइयों की बुनियाद पे, या मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद पैसे की बुनियाद पे ऐसे नोटिफिकेशन होते हो। देखिए इसमें जो वेल नोन शख्सियत हैं वो हैं मोहतरम जनाब अलीम भट्टी साहब चेयरमैन, चलें वो एक प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे, हम मान लेते हैं, पोल्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक शायद डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। तो बाकी आपने जिन लोगों को डाला वो गैर मुतालिका लोग हैं, तो हम इस बोर्ड को मुस्तरद करते हैं और यकीनन आपको इस पर सोचना होगा। और जनाब ये वतन अजीज़ का नुकसान है, ये लाइव स्टॉक सेक्टर का नुकसान है और पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए ऐसे अफसरान बैठे हैं जो ऐसे नोटिफिकेशन जारी कर दें जिससे सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल ना होगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं, इस किस्म के बोर्ड्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि किसान का फ़ायदा हो। इदारे में यकीनन तनख्वाहें जा रही हैं, बजट्स रखे जाते हैं इनके लिए, अखराजात किए जाते हैं और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उस पर नज़रसानी करेंगे, इस बात के साथ कि अगर मुझसे कोई गलती कमी कोताही हो तो रियासत के आला अफसरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमें किसानों को अपने सीने से लगाएंगे, हमें माफ़ करेंगे और इस सेक्टर की तरक्की के लिए, वतन अजीज़ की तरक्की के लिए आप किसानों का हाथ पकड़ेंगे और अच्छे फैसले करेंगे और किसानों को उसमें साथ लेंगे। जज़ाकअल्लाह।